मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माई चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस TGT PGT के और इस टाइम जो GIC का एग्ज़ाम हम लोगों के आप जानते हैं कि इसकी डेट डिक्लेयर हो गई है, तो मैं उसी के पर्सपेक्टिव में आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। आज हम बात करेंगे इसी सीरीज़ में से, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको RK नारायण की अपलोड की थी, वो आपने ज़रूर देखी होगी। आज हम बात करेंगे निसिम इस्किल। तो निसिम इस्किल हमारे जो पॉइट हैं, एक ज्यूइश पॉइट है, हमारे इंडियन पॉइट हैं ये। और आज हम इन्हीं का वर्क्स और इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अपनी वीडियो में। चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं निसिम इस्किल का टाइम पीरियड 1924 to 2004 के बीच इनका टाइम पीरियड रहा, जिसमें इन्होंने अपना वर्क्स किया, यानी पोएम्स लिखी और इन्होंने कुछ प्ले भी लिखे हैं। तो इनकी अगर हम बात करें इनके वर्क्स को, तो कहने को तो ही वॉज द ए पॉइट एंड प्ले राइटर, एडिटर और अगर आर्ट क्रिटिक भी ये रहे हैं, तो आर्ट एंड ऑल्सो आर्ट क्रिटिक इसको हम कह सकते हैं। तो इनका जो मतलब वर्क्स है वो फिलहाल तो हमें टू कैटेगरीज देखने को मिली हैं ज़्यादातर, जिसमें कि आपके पोएम्स हैं और प्लस आपके प्लेज हैं। तो निसिम इस्किल की बात कर रहे थे, इंडियन ज्यूइश पोइट है तो ये इंडियन, लेकिन क्या है ये ज्यूइश पोइट है। ज्यूइश मतलब आप समझ सकते हैं ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए, तो इसलिए इनको कहा जाता है ज्यूइश पोइट थे। और ये एक्टर रहे, प्ले राइटर रहे, एडिटर रहे, इस तरह से समझिए, एक्टर भी है, प्ले राइटर भी है और एडिटर भी है। इन्होंने प्ले राइटिंग भी की है, तो इसलिए प्ले राइटर हैं और एडिटर भी रहे हैं। अब बात आती है इनकी पोएम्स की, मोस्ट फेमस पोएम की अगर हम बात करेंगे, इनका कलेक्शन ऑफ द पोएम्स ज़्यादा फेमस है, लेकिन हम इसी के सीरीज़ में अभी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी कि आपको फोकस किस पर करना है, जिससे कि थीम्स या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हम बात करते हैं ए टाइम टू चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ए टाइम टू चेंज, 1952 की बात हो रही है कि 1952 में इनका एक पोएम्स ऑफ द कलेक्शन आया, ए टाइम टू चेंज 1952। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 60 पोएम्स का जो कलेक्शन, 60 पोएम्स 1953। नंबर थ्री द थर्ड 1959, द अनफिनिश्ड मैन 1960, ये इनका जो है पोएम आई है। द एग्जैक्ट नेम, ये पोएम कलेक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा, द एग्जैक्ट नेम पे फोकस करिएगा, द थर्ड पे, 60 पोएम पर एंड टाइम टू चेंज पर। अब बात आ रही है द एग्जैक्ट नेम की बात आ रही है, तो 1965 में आया और इसी में जो सबसे ज़्यादा मशहूर पोएम हुई, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो आपके कोर्स के हिसाब से भी फेमस है, आप चाहे किसी पोएम को मत पढ़िएगा, लेकिन इस पोएम को अच्छे से, इसकी लाइन याद करके जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और इसके राइटर तो आपको पता ही चल गया है कि निसिम इस्किल है। थीम क्या थी इसकी, मतलब सब कुछ इसके अगल बगल जितने क्वेश्चन बन सकते हो उसे आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इस पोयम का नाम क्या है और ये कहाँ से ली गई, द एग्जैक्ट नेम पोयम ऑफ कलेक्शन जो था, तो NOS उससे ली गई, NOS का मतलब नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। हाइम्स इन डार्कनेस ये आती है 1976 में, लेटर डे पाम 1982 में, नंबर एट द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ निसिम इस्किल, ये पूरा कलेक्शन है कलेक्टेड पोएम्स ऑफ निसिम इस्किल 1952 से 1988 के बीच में ये पोएम्स आती हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जैसा जिसका जिक्र मैंने अभी यहाँ पर किया, इसके मतलब ये कलेक्शन ऑफ द पोएम था, तो इसी में से नाइट ऑफ स्कॉर्पियन को लिया गया था, इसी पोएम्स के जो कलेक्शन है ये पोएम्स का, इसी में से इस पोएम्स को उठाया गया था। और यही पोएम जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है ये, और इसके मैंने बताया ना कि इसके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको कवर करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो लिहाजा आप इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा और ज़्यादा ध्यान से इसे पढ़िएगा। चलिए, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन सुपरस्टिशियस थी इसकी थीम, कैसी थी, सुपरस्टिशियस थीम थी, और 1965 में ये आई थी, 1965 में ये पोएम लिखी गई थी और इसकी थीम थी सुपरस्टिशियस, इस तरह करके आप याद करेंगे, कैसी थीम थी इसकी, सुपरस्टिशियस थीम, ठीक है, इस तरह करके आप याद कर लीजिएगा। 10 नंबर पे है मॉर्निंग वॉक,
मॉर्निंग वॉक इनकी पोयम थी, इसका सही सही नहीं पता कि कब ये पब्लिश हुई। बैकग्राउंड कैजुअली, ये एक बायोग्राफिकल पोयम है, इस पोयम को भी ध्यान से पढ़ के जाइएगा। बैकग्राउंड कैजुअली, अब देखिए बैकग्राउंड कैजुअली बायोग्राफिकल पोयम है एंड रिटन बाय द निसिम स्किल, इस तरह करके आप इसको याद करेंगे। एंटरप्राइज इनकी पोयम है, इसका भी सही जानकारी नहीं है कि कब पब्लिश हुई, लेकिन हुई होगी 1954 या 1950 और 60 के बीच में ही। आप इस तरह से इसे समझिए कि 1950 से और 60 के बीच में ही ये पब्लिश हुई होगी। सटीक जानकारी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको नहीं लिखा, लेकिन आप इसे ध्यान दीजिएगा। आप इसमें अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम कौन सी है, देखिए नंबर वन ए टाइम टू चेंज है, नंबर टू 60 पोयम्स 1953 है, द थर्ड 1959, इस तरह से करके याद करेंगे ना, एक सीक्वेंस बना लीजिए कि क्वेश्चंस पूछे किस पर जा रहे हैं। तो अगर हम ये देख लेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो पूछे किस पर जा रहे हैं, तो उन्हीं पोयम्स पर आप फोकस करिएगा। इससे ज़्यादा मतलब अगर वैसे भी टाइम नहीं है, हम रिविज़न ही कर रहे हैं, तो रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मेन मेन चीज़ें हम अपनी पढ़ लें। अब जैसे मैं आपको ये करा रही हूँ तो रिवीजन है ये एक तरह का, ये आपको कोर्स कवर नहीं कराया जा रहा बल्कि रिवीजन कराया जा रहा है। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन ही होता भी है, लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो बेहतर होगा कि आप रिवीजन को भी स्मार्ट वर्क की तरह करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले आप अपने राइटर को उठाइए, फिर उसके वर्क को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगाते जाइए, और सीक्वेंस लगाने के बाद हर एक की थीम और मतलब किस एनवायरनमेंट में लिखी गई, या जो भी उससे प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए कि कितना उससे पूछा जा रहा है। जैसे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन मोस्ट पॉपुलर जो है पोयम है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, किसी ना किसी क्लास में ये हमें मिल जाती है देखने को। तो सब शहर की सब सिटी का अलग अलग जैसे कि होता है CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड, अगर इसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिली होगी पढ़ने के लिए किसी भी बोर्ड में। तो इस तरह से अगर हम समझे तो निसिम स्किल की ये पोयम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेमस पॉपुलर पोयम है, और इसी के ऊपर मैंने जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का कंक्लूजन निकाला तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं। तो बेहतर होगा कि आप इसी तरह से थोड़ा सा नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पे, निसिम स्किल अगर आप पढ़ रहे हैं तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। और ये कहाँ से लिया गया पोयम ऑफ कलेक्शन क्या था, द एग्जैक्ट नेम था, 1965 में ये लिखा गया पब्लिश होता है, लिखा गया था और फिर उसके बाद पब्लिश हुआ, इस तरह से करके आप इसे याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए हाँ, तो हम बात कर रहे थे आपको कि देखिए इसमें इनकी जो मोस्ट फेमस पोयम है वो है ए टाइम टू चेंज, 60 पोयम्स, ये सब कलेक्शन ऑफ द पोयम है, द थर्ड एंड फिफ्थ नंबर पे आता है द एग्जैक्ट नेम। अब ये फोर पोयम्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे नाइन नंबर पे आती है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, मोस्ट पॉपुलर है, कलेक्टेड पोयम्स ऑफ निसिम स्किल, इंपॉर्टेंट पोयम है। और इसके बाद है बैकग्राउंड कैजुअली, बैकग्राउंड कैजुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जिस पे मैंने ये इस तरह से करके मार्क किया है, इस तरह से आप याद करिए कि इनको तो ज़रूर ही पढ़ के चले जाइए, चाहे कुछ मत पढ़िएगा, नहीं भी टाइम मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो ज़रूर ही पढ़ लीजिएगा, या इस पे तो ध्यान ही दे दीजिए कि हाँ ये निसिम स्किल की ही पोयम है, क्योंकि ज़्यादातर इनकी पोयम के बारे में यही पूछा गया कि हु वाज़ द राइटर ऑफ दिस पोयम, इस तरह करके वो कोई भी पोयम लगा देंगे और पूछेंगे हु वाज़ द राइटर। तो अब आपको अगर निसिम स्किल की जो मोस्ट फेमस पोयम है उनके बारे में पता है तो जाहिर सी बात है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर ले जाएंगे और अपना एग्जाम क्वालिफाई करने में ये आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट बात आती है इनके प्लेस की, हालांकि प्लेस नहीं पूछे गए हैं लेकिन फिर भी जब हैं तो क्यों ना डिस्कशन हो जाए। प्लेस की बात हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, भाई 2021 है, हो सकता है इस बार आ जाए। नलिनी ए कॉमेडी, ये इनका प्ले है, नलिनी ए कॉमेडी, मैरिज पोयम ये इनका प्ले था, द स्लीप वॉकर्स एंड ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी है भाई ये, यहाँ पे ट्रेजी लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं सी लगा देते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी। तो क्या हो गया, द स्लीप वॉकर्स एंड ट्रेजिक कॉमेडी, ये इनके थ्री प्लेज ही हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ये मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चंस पूछे जाते तो फिर मैं उसका भी डिस्कशन आपके साथ करती। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये ही वॉज द पॉइट, ही वॉज द प्ले राइटर एंड ही वॉज द एडिटर एंड ही वॉज द एक्टर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके बारे में ये है कि ये इंडियन के जो हैं इंडियन जूश एक पॉइट है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए अपने वर्क की वजह से, और मुंबई का जो मुंबई यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो इस तरह से इनका अगर बायोग्राफी की बात करें तो ये इनकी बायोग्राफी थी, मोटी मोटी चीज़ें तो हम याद रख ही सकते हैं। अब इनकी पोएम्स अगर वर्क की बात करें तो देयर इज़ द
डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम्स एंड सेकेंड इज द प्लेज। इस तरह करके आप याद करिएगा, पोएम्स कौन सी हमको ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने टिक मार्क लगा दिया है, आप उसी को अच्छे से पढ़िएगा, और इनके प्लेज कौन से हैं इनको भी थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बार बार कहती हूँ, ज़्यादा याद करना नुकसानदेह नहीं होता, कम याद करना ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, और आपके लिए अगर मान लीजिए प्लेज में से आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ भाई ये प्ले तो हमने पढ़ा है, ये तो निजी मिस्किल का है। तो इस तरह करके आप चाहे तो मेरे साथ ही राइट डाउन करते चला करिए, और चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्टडी कर रहे हैं। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए एक नया राइटर और एक नया कंटेंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड जो मेरा मोटिव है आपको रिवीजन कराने का, उसी के पर्पस से लेकर के आऊँगी। ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखिए, इसी तरह रिवीजन करते रहिए अच्छे से, ताकि आप अपने जो एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। ये मेरी दुआ है आपके लिए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।